जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये अभी देख सकते हो आप, कुछ पक्षी जो है ना वो अपनी दिनचर्या शुरू कर चुके हैं और शायद खाना ढूंढने के लिए या कुछ ढूंढने के लिए ये निकल चुके हैं। एक ये मेरे सामने एक पीगन है और वो पीगन सुचारू रूप से अपनी चीज़ों के लिए कार्यरत है और पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, दूर से ही करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो आई थिंक कि उड़ जाए। तो अपन थोड़ा सा इसका क्रियाकलाप देखते हैं, करता क्या है। तो मैंने क्या है कि वहाँ पे कुछ कचरा जो है छोटे छोटे सी डालियाँ पत्तियाँ वहाँ यहाँ इकट्ठी करके रखी हुई हैं। आई थिंक ये कुछ इनमें से कचरा ढूँढ रहा है और इसके चक्कर में ये थोड़ा सा लगा हुआ है अपने काम करने। आप देख सकते हो कैसे प्रयासरत है और वो अपनी ही चीज़ों में मनमुग्ध है क्योंकि थोड़ा से ये हम लोगों से अब डरते कम हैं क्योंकि आसपास ही रहते हैं। तो देख सकते हो कैसे एक एक पक करके वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है वो। इनके अंदर जितनी समझ होती है, जितनी ये कर सकते हैं उस हिसाब से ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और यहाँ पे कई पीगन हैं, आप देख सकते हो कई छत पे बैठा हुआ है। थोड़ा सा इस पीगन का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इस तरफ पहुँच गया है। अब ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, क्या देख रहा है। थोड़ा सा हम पास जाके इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखते रहिए क्योंकि इस टाइप के शानदार नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हम खुद स्वयं से एक पीगन की छोटी सी दिनचर्या का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखते हैं कि वो अपनी दिनचर्या में क्या क्या करता है। देखिए आप थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फन और खाने की तलाश, यही पक्षियों का जो समय होता है, जो आनंद होता है वो इसी में होता है। ये कुछ जोड़ के नहीं रखते, कोई चीज़ स्टोर करके नहीं रखते। ये देखिए वो अपनी ही धुरी पर डांस कर रहा है। आई थिंक वो चला गया, उड़ गया। और अब बाकी की देखिए, अब देखिए ये एक दूसरा पिगन आ गया है। देखिए ऐसे ही मनमोहक प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो हम और भी देखते रहेंगे और इनको अपने इस कैमरे की नज़र में कैद करते रहेंगे। और जब हम थोड़े से भी समय मिलेगा हमें या हम लाइफ में थोड़े उदास होंगे तो हम इनको देख के एक संतुष्टि पा सकते हैं। तो लाइफ ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्राकृतिक नज़ारों का एक नया समागम और एक नई अनूठी पहल। तो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।